Hello friends, welcome to AB videos. Friends, आज हम जीरा राइस बनाएंगे. Friends, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि जब भी वो राइस बनाते हैं तो खिले खिले नहीं बनते, चिपक जाते हैं. आज मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगी राइस बनाते टाइम हमें किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि हमारे राइस परफेक्ट और खिले खिले बनते हैं. है तो बहुत सिंपल सा वीडियो ये, बट बहुत काम का है. देख लेंगे जीरा राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए. इसके लिए कुछ मैंने लिए हैं खड़े मसाले. फ्रेंड्स, खड़े मसाले जीरा राइस में डालने से चावलों की फ्रेग्रेंस, खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है. जीरा 1 टीस्पून भर के मैंने जीरा लिया है. एक चाहिए होगा हमें लेमन, हाफ लेमन हम यूज करेंगे. सबसे पहला टिप ये है, जब भी हमें राइस बनाने हैं तो राइस को बहुत अच्छे से 5-6 बार इसको वॉश करना है ताकि इसका जो ऊपर से स्टार्च लगा होता है वो निकल जाए. जब हमारा पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा राइस धोते धोते, इट मीन्स हमारे राइस अच्छे से धुल गए हैं. इनको ज्यादा देर डिप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 मिनट भी आप राइस को डिप कर लेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे. एक पैन ले लेंगे, उसमें हम कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल ले लेंगे. चाहे अगर आप सरसों ऑयल यूज कर रहे हैं वो डाल लीजिए. देसी घी में जीरा राइस बहुत ही बढ़िया बनते हैं. थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सभी खड़े मसाले ऐड कर देंगे जो भी हमने रखे थे. छोटी स्टिक दालचीनी की, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, सब इसके बीच में ऐड कर देंगे. थोड़ा सा इन खड़े मसालों को कुक करने के बाद जीरा ऐड कर देंगे. साथ ही हम नमक ऐड करेंगे. फ्रेंड्स, ये वाला गिलास मैं राइस बना रही हूं तो इसके लिए 1 टीस्पून लेवल्ड सॉल्ट सफिशिएंट है. 1 चम्मच भरकर नहीं, बिल्कुल लेवल करके हम इसमें नमक ऐड कर देंगे. अब जो राइस है उसका पानी हम बिल्कुल निकाल देंगे, ड्रेन कर देंगे. पानी निकालने के बाद अभी राइस भी इसके बीच में ऐड कर देंगे. थोड़ा सा बस हल्के हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा सा ऑयल में भून लेंगे. अब हम वाटर ऐड करेंगे. 1 गिलास राइस बना रहे हैं तो हम इसमें 1.5 गिलास से थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा पानी ऐड करेंगे. 1 गिलास और 1/2 गिलास से थोड़ा सा ज्यादा. और अब ये जो हमने नींबू लेमन रखा हुआ था वो डाल देंगे, हाफ लेमन जूस डाल देंगे. फ्रेंड्स, जो नींबू है वो डालने से राइस बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी चिपके चिपके नहीं बनते, खिले खिले बनते हैं. ये जो इसका छिलका है वो भी अभी इसके बीच में ही डाल देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे. एक जब बॉयल इसमें आ जाएगा तो हम इसको ढक के रख देंगे. देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो गया. बस अब हम इसको ढक देंगे और जब तक इसका पानी ड्राई हो जाए तब तक हम इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके ढक कर पकने देंगे 5 से 10 मिनट के लिए.
8 से 10 मिनट हो गए हैं इसको इसी तरह सिम पे पकते हुए, चेक कर लेंगे। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इसका। ये जो लेमन का पीस है ये निकाल देंगे। राइस हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, इसका जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्रेन हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। पांच दस मिनट ऐसे ही ढकने के बाद चेक करेंगे। बहुत ही बढ़िया राइस बनते हैं ऐसे। देखिए आप, मैं दिखाऊं आपको कितने खिले खिले राइस बने हैं। रेडी हैं बिल्कुल जीरा राइस हमारे बनकर। जब हम कुछ बातों का ध्यान रखकर बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं राइस हमारे। तो आप भी मेरे इस ट्रिक से जीरा राइस बनाइए, और कमेंट्स में भी फ्रेंड्स जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना प्लीज मत भूलिए। नेक्स्ट एक और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।